200 सिंक पर लिखा है कि बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं पीनी चाहिए, तो क्या आपको ये पीनी चाहिए? अगर नहीं तो फिर इंडिया में इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव कौन से जो आपको लेने चाहिए। 20 रुपए में सबसे सस्ती और टेस्टी एनर्जी ड्रिंक है, यानी आपको थोड़ा सा हिट देगी क्योंकि 250 ml में 72 mg कैफीन है। ये खुद कहते हैं कि दो ड्रिंक्स आपको ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, ऑलमोस्ट 150 mg कैफीन मिल जाएगा। FDA के तहत आपको दिन में 400 mg से ज्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। देखिए, कैफीन आपको थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ा देगा, थोड़ा सा हिट देगा, लेकिन अगर आपने ओवरडोज कर लिया तो फिर उसकी वजह से एंग्जाइटी, चक्कर आना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी के साथ इसमें 4 teaspoon एडिड शुगर है, स्वीटनेस मिलाए गए हैं मिठास के लिए, और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं इसका टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। देखिए, कैफीन रियल एनर्जी नहीं है, तो इससे बढ़िया फिर इंडियन ऑल्टरनेटिव जैसे कि छाछ पीजिए, गन्ने का जूस लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, सत्तू ड्रिंक लीजिए, और अगर आपको कैफीन का हिट चाहिए तो फिर आप कॉफी पीजिए। एटलीस्ट आप इतने सारा शुगर और आर्टिफिशियल एडिटिव्स तो नहीं पियोगे। दोस्तों, मेरी स्ट्रिंग वीडियो वायरल हो गई और लोगों की डिमांड आई कि रेडबुल के बारे में बताइए। कुछ लोग इसे पार्टी के लिए पीते लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं है, कुछ लोग इसे एनर्जी या फिर प्री वर्कआउट के लिए लेते हैं। चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। इसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट है कैफीन। ये 250 ml कैन के अंदर 75 mg कैफीन है, यानी 1 cup कॉफी जितना, जिससे आपको थोड़ी किक मिलेगी, आप अलर्ट हो जाओगे, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, नींद खुल जाएगी, मजा आ जाएगा ये पीने के 30 मिनट्स बाद, लेकिन दिन में 400 mg से ज्यादा कैफीन ना ले। सेकेंड इज शुगर। इसके अंदर 27 g शुगर है, यानी सेम एज कोल्ड ड्रिंक, इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसको एडिक्टिव बनाता है, एंड शुगर है तो एकदम से एनर्जी भी आपको मिलेगी, लेकिन डायबिटिक लोग इतना सारा कैफीन और शुगर प्लीज बिल्कुल भी ना ले। थर्ड इज टोरिन। इसमें 1000 mg मिला रखा है। माना जाता है कि टोरिन एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो मेन इफेक्ट कैफीन की वजह से ही आ रहा है। फोर्थ इज बी विटामिन, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और इसमें अच्छी क्वांटिटी में मिला रखे है। एंड इसमें कैरमल कलर भी है, जिसे FDA ने सेफ कंसिडर किया है, लेकिन एनिमल्स पे उसके कैंसर कोजिंग इफेक्ट्स भी है। सो मैं इसको रेटिंग दूंगा 2 out of 5, लेकिन इसके कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी है, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो डू लेट मी नो इन द कमेंट। आई वुड लाइक टू थैंक एज इट इज फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एंड देखो दोस्तों, पोस्ट वर्कआउट में मेरी 2 ही चीजें फेवरेट है, या तो बादाम मिल्क पीना या फिर वे प्रोटीन लेना। दोस्तों, ये है एज इट इज की तरफ से एटम वे प्रोटीन। इसके एक सर्विंग में आपको मिल जाएगा 27 g प्रोटीन, 12.2 g एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.7 g BCAA एंड 4.5 g ग्लूटामिन। सबसे अच्छी बात है इसकी एक्सेलेंट अमीनो एसिड प्रोफाइल, जो कि इन्होंने यहाँ पे शो कर रखी है, एंड जो मैच भी करती है इनकी प्रोटीन पर सर्विंग से। एज इट इज़ की तरफ से आपको प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-step प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कोड है, जिसपे आप जाकर चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और ओरिजिनल है। एंड ऑल्सो ये हैवी मेटल टेस्टेड फ्री एंड डो फ्री टेस्टेड भी है, यानी कि आम इंसान भी तो ले ही सकता है, उनके साथ ही जो एथलीट्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने इसका बाइंग लिंक दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। ऑल्सो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो दीपक एज इट इज़, जिससे आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। दोस्तों, रेडबुल वीडियो के बाद डिमांड आएगी, आप इंडिया में जो सबसे हेल्दी एनर्जी ड्रिंक है आप उस बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो भारत में कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खान पान बढ़िया और लस्सी, छाछ, नींबू पानी सब है हमारे पास, लेकिन अब इनकी हैवी मार्केटिंग के बाद इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैंने एनर्जी ड्रिंक्स को 3 parts में डिवाइड किया। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जिसमें कैफीन एंड शुगर की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि पॉपुलर ब्रांड्स लाइक रेडबुल, स्टिंग, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। कहा जाता है कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, एंड ये बात सच है, क्योंकि कुछ लोग ये पीकर सीधा स्वर्ग ही पहुंच गए, एंड सेम विद अदर ब्रांड्स। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है बिकॉज ऑफ हाई कैफीन एंड शुगर। रेडबुल एंड मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के 0 sugar वर्जन भी आते हैं, लेकिन इतने बढ़िया नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डाले गए वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप घर पे कॉफी बनाइए, जिसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और आपको वो सस्ती भी पड़ेगी। सेकेंड इज 0 caffeine विद शुगर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा एंड आपको एनर्जी भी देगा। इसमें सबसे पॉपुलर ड्रिंक है गेटोरेट, लेकिन आप इसके बजाय एनर्जल के पाउच भी ले सकते हो, जो आपको सस्ते पड़ेगा एंड उसके अंदर एडिटिव्स भी कम है। थर्ड इज 0 sugar 0 caffeine ओनली इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपकी हाइड्रेशन में मदद करेगा। इसके लिए आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप और एक टेंडर कोकोनट वाटर अमेजोन से खरीद सकते हो, जिसमें कोई भी एडिटिव नहीं है। बाय द वे, आपकी फेवरेट एनर्जी ड्रिंक कौन सी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा।